अब बारी है जी नताशा की, टाइम जाया किए बगैर तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। नताशा की स्किन जो है वो बहुत प्यारी है, शुरू में इसने अपने मेकअप से छुपाई हुई थी हाँ। लेकिन अब जब बिल्कुल ही कम पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात की बात है, हमें तो याद भी नहीं है। अब तो ये वाली स्किन निकले भी 6-7 साल हो गए। तो वही मैं इसको कहती हूँ की यार तुम अब ज्यादा जो है वो इतनी प्यारी फ्रेश स्किन लगती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा पता सब, अब पहले बालों की बात करूँ पहले मैं स्किन की बात करूँ, जो तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, स्किन की मैं बात करती हूँ। स्किन जैसे इसने बोला कि मैंने कभी जिंदगी, आपको मैं ब्रेक में भी बता रही थी, मैंने कभी जिंदगी में फेशियल नहीं कराया, डीप क्लिनजिंग जाके पार्लर्स में नहीं कराई है, मैंने स्टीम्स नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बस ये होता है कि मैं घर में अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करके अच्छा और उसको साफ करें, मैं टोनर यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि टोनर से मेरी स्किन ड्राई होती है। ओके और जब वो ड्राई, अच्छे से अच्छी कंपनी का भी मैंने टोनर यूज़ किया है लेकिन उससे मेरी स्किन ड्राई होती है और आंखों के नीचे और यहाँ पे लाइंस, फाइन लाइंस जाहिर होने लगती हैं। अच्छा। तो उसका मतलब है कि डेड आपकी ड्राई हो चुकी है स्किन। हाँ। तो स्किन ड्राई है वैसे नॉर्मली? नहीं, मेरी कॉम्बिनेशन है, मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है। अच्छा। और बाकी ड्राई है। अच्छा। तो वो उस हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। और बाकी ये है कि मैंने जब क्लिनजिंग करनी होती है तो मेरा ये एक लॉरियल का है स्किन परफेक्ट, ये मैं यूज करती हूँ, ये क्लिनजर है। ठीक है, इससे अच्छे तरीके से करके यूज, और उसके बाद क्रीमी है ना, ये क्रीमी है। अच्छा, पहले क्रीमी से डालती हूँ। हाँ, उसके बाद पहले क्रीमी से उतारती हूँ। उतार दिया। हाँ, ठीक है, उसको कॉटन के साथ वाइप कर दिया। अब ये वाला जो टोनर है ना, हाँ, जो मैं आपको बता रही थी मैं नहीं यूज कर सकती, ये क्रीमी है, ये वो नहीं है, बिल्कुल वाटर फॉर्म में नहीं है, तो ये वाला ड्राई नहीं करता है। अच्छा। हाँ, मतलब जिनकी मेरी टाइप की स्किन है वो ये यूज कर सकते हैं, इससे इससे ड्राइनेस नहीं होगी स्किन में। ये भी लॉरियल का है? ये भी लॉरियल का है। अब जो मैं आपको कह रही थी कि वो फायदा नहीं होता जब आपका एज के बाद लाइंस आनी शुरू होंगी तो फिर आप उनको ठीक करना शुरू करेंगे तो फिर तो वो ठीक नहीं होंगी। हाँ। फिर तो आपको डॉक्टर्स पर जाके टीके भी लगवाने पड़ेंगे, बोटॉक्स भी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्रीम में नहीं ठीक करती। ठीक है, तो सबके लिए ये है, ये 25 साल तक शुरू कर देना चाहिए कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि ये लॉरियल की 30+ है, जरूरी नहीं है, किसी भी कंपनी का आप यूज करें 30+ या एज के मुताबिक आप 25-26 साल की उम्र से करना शुरू करेंगी तो आपकी एज, मतलब वो लाइंस जो आपकी नॉर्मल रहेंगी ना। तो ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है? ये है डे का मॉइस्चराइजर। हाँ। और ये लॉरियल का मेरा रात का। ओके। जो मैं रात में लगाती हूं। अच्छा। ये एक क्रीम है, ये आसानी है कि पाकिस्तान में मिल जाती है। हाँ। हाँ, ये सारी चीजें पाकिस्तान में बड़ी इजीली अवेलेबल है, ये मैं रात में लगा के सोती हूँ अगर इतना वो कि हाँ अच्छा चीजें नहीं याद रहती ना, फिर सोने के बाद थकन इतनी उठे। कमिटमेंट बहुत जरूरी है, थकन इतनी हुई हुई होती है। और आपको पता है कभी मैं अपनी एक गलती आपको बता रही हूँ जो नहीं करनी चाहिए सबको, मैं अक्सर मेकअप के साथ, इसने मुझे देखा भी हुआ, मेकअप के साथ ही सो जाती हूँ। ये बहुत गलत चीज है। मुझे कभी कभार मॉर्निंग शो करने के बाद जब मैं घर जाती हूँ बहुत थकी हुई होती हूँ तो मेरे साथ भी 2-3 दफा ऐसा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी सबक मिल जाता है जब स्किन खराब होती। हाँ। है तो जब बहुत जल्दी सबक मिलता है। अच्छा नहीं, मेरी स्किन शायद उस तरह से इसलिए भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, मतलब डबल टोन भी हो जाती है, वो इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि मैंने बहुत सालों से काम करती हो तुम, मैं बेसी लगानी छोड़ दी हुई है, मैं तो डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर पहले कोई मॉइस्चराइजर लगाया। मेकअप वाइप्स बताए थे ना, वो सबसे बेस्ट है, वकार से ही मैंने चीज सीखी, उस दिन मैंने आपको मेकअप करते हुए बताया था। हाँ। जब हम लोग जाते थे शूट से वापस तो वकार ये कहते थे कि यार घर जाके क्लिनजिंग तो करनी ही है, लेकिन हाँ। ये कि ये वाइप्स रखो जैसे शूट खत्म फौरन से, जो आपकी स्किन ज्यादा डैमेज होती है उससे बहुत फायदा हो जाता है, तुम वाइप्स रखने चाहिए तो बस फेस मूड होया मॉइस्चराइजर लगाया। तुम अपना मेकअप जो करती हो कंसीलर लगाती हो? कंसीलर नहीं लगाती। नहीं लगाती? नहीं, अगर मेरे डार्क सर्कल्स जिन दिनों में हुए हुए हैं उन दिनों में मुझे जरूरत पड़ती है कंसीलर की, जो कि मैं शैनेल का यूज करती हूँ ये वाला। अच्छा, मैं क्यों करती हूँ क्योंकि ना जब आप लगाते हैं ना तो आपका एक अलग से आइस निकल के आती है, मैं इसलिए लगाती हूँ कंसीलर का। अच्छा नहीं, मुझे मैं अगर लगाऊं तो कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाता है, चाइनीज लुक आने लगती है। हाँ, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ अगर मुझे जरूरत है तो, अदरवाइज मैं अपने पूरे फेस पे सिर्फ ये लगाते हैं। ये तो जब दोबारा मेकअप तो बड़ा जल्दी हो जाता होगा। हाँ, ये बहुत जल्दी मेकअप कर लेती है, 20-25 मिनट में हो जाता है। अल्लाह। और अच्छा। ये तो अभी शो के लिए थोड़ा लैशेस भी लगाई हुई है और आई शेड भी, अगर मुझे वैसे कहीं बाहर निकलना है तो मैं ये लगाती हूँ, टिंट यूज करती हूँ, वही आंखों पे, वही नाक पे, वही, और हल्का सा नहीं पड़ती ये कंटूरिंग मेरे मुंह पे तो बहुत जरूरी है।
ये पता नहीं कब जाके खत्म होना है जिंदगी में। अच्छा, ये लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं डियोर का ये वाला जो मुझे नहीं मिल रहा, ये डियोर का मैंने बहुत तारीफ सुनी है इसकी यार, ये मैं भी यूज करती हूँ। कमाल, ये बेनिफिट को पीछे छोड़ गया। मैं पिछले कितने सालों से ये यूज कर रही हूँ, लेकिन अब हम कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं तो यहाँ नहीं मिलता ना, ये मिल नहीं रहा है, लेकिन ये अभी भी मेरा गुजारा हो रहा है। इसका नाम है, ये टैटू है बेसिकली। अच्छा, इसका टिंट नाम नहीं है। ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते, ऑनलाइन भी मिल जाती है। पता नहीं यार वो ओरिजिनल मिले या नहीं मिले। नहीं नहीं, बाहर से ऑनलाइन। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद मजे की जो चीज है वो ये है कि जो वो कर लिया मैंने, तो मैं ये फ्लर्मर का, ये क्या है, कौन सी ब्रांड, फेस शाइन फ्लर्मर। फ्लॉर्मर है, ये टर्किश ब्रांड है। फ्लॉर्मर, हाँ बहुत अच्छी है, टर्किश ब्रांड है और ये बहुत अच्छा है। और ये इतना मतलब नीट सी लुक दे देता है फेस को। और ये उसी का देखे, ये हल्का सा अगर ब्लश ऑन है, ये ब्लश ऑन तो मैं ढूंढ रही होती हूँ ना, ये कलर मिल जाए कहीं, ये मेरा फेवरेट कलर है। ये मैट है, ये मैट है, इसी का फ्लॉर्मर इसका ही है। हाँ, ये देखे, ये इसी का ही है और ये मैट है। मैं अगर यहाँ पे ये लगा लूँ तो लगेगा इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट हुई हुई ना, बिल्कुल ऐसे लगेगा। अच्छा, अब मैं बालों के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। बालों के लिए ये कि पहली बात तो ये है कि मेरी अम्मी मुझे एक तेल बना के देती हैं, ठीक है, जो अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास खुद भी खत्म हुआ है, मुझे इस्लामाबाद लेके जाना था, मैं लाहौर जाऊँगी तो लूँगी। अच्छा, वो पुदीने का तेल, कोकोनट और सरसों का तेल मिक्स करती हैं। अच्छा, और उसमें थोड़ा सा पता नहीं रीठा या क्या वो होता है जो थोड़ा पका के ऐड करना होता है, रीठा या आमला, आमला आमला होता है, वो थोड़ा सा बीच में ऐड करती हैं। वो मैं बहुत सालों से यूज़ करती हूँ। और अगर मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, जैसे रूट्स भी बार बार टच करने होते हैं हर महीने, और डाई भी लेना होता है, आयरन भी, और ये वो, तो मैं माशाल्लाह ये छोटे ही रखती है ना, तो हमेशा फ्रेश हो जाते हैं इसके बाल। छोटे कर लिए, एक तरह से कर लेती है, फिर भी इस पे सूट करते हैं। मैं पहले ना थोड़े से बढ़ा के उनको, उनका इतना सत्यानाश करती हूँ ना कि फिर गर्ल्स डाल डाल के, क्योंकि मुझे पता होता है कि फिर मैंने कटवा ही देने हैं। हाँ, तो एंड तो इसका यही होगा। अच्छा, उस तेल में या किसी भी तेल में, कोई भी जो भी कोई तेल सूट करता है किसी को, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं उसके अंदर आप एलोवेरा, हर घर में ही होता है मेरे ख्याल में, नहीं भी है तो आप रख लें, तो ये काट के इसका जो अंदर का जेल है वो आपने ऑयल में मिक्स कर लेना है। ठीक है ना, मतलब इतना ही काफी है, इतना तो होना चाहिए पूरे सर के लिए, कम से कम भी इतना होना चाहिए। मतलब इसका जेल निकाले, लगा लेते ऑयल के बीच में जेल निकाले और उसको अच्छे तरीके से फेंट के, और वो फिर आपने रूट से लेके एंड्स तक पूरा लगाना है। ओके, और उसको लगा के छोड़ दें 2-2.5 घंटे के लिए। और पुदीना, सरसों का तेल और कोकोनट, कोकोनट ये तो जबरदस्त। हाँ, और उसके अंदर फिर एलोवेरा डालना। अच्छा, और बल्कि मेरी जब स्किन ड्राई भी हो रही होती है, मैं उस वक्त भी अपनी स्किन पे भी एलोवेरा लगाती हूँ। लेकिन एलोवेरा हर किसी को सूट भी नहीं करता, ये भी सही कह रही हो। सीरियसली, किसी 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 को एलर्जी हो जाती है ना, तेज होता है थोड़ा। अच्छा, अब जो बहुत जरूरी चीज होती है ना, वो अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी नहीं शेयर की, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो हर औरत डिस्कस कर रही होती है कि यार कौन सा शैम्पू यूज करना है। हाँ, हमारे बाल फ्रिजी हो रहे हैं, हम आयरन करते हैं तो उड़ जाते हैं, कुछ कुछ कहते हैं बिल्कुल चिपक जाते हैं। हाँ, कुछ कहती हैं बॉडी नहीं आ रही बालों में यार, हालांकि तो उसके लिए पता है क्या, अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको। ये मैं ट्रेस्मे का जो कोकोनट ऑयल और एलोवेरा वाला शैम्पू यूज करती हूँ, और इसी का ही कंडीशनर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे आपको, आपके बालों में बॉडी भी रहती है, फ्रिज भी नहीं आएगा, हल्की सी शाइन भी, वो तो खैर शाइन तो कंडीशनर दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप यही यूज करें अपने बालों के हिसाब से। अगर आपका कलर्ड हेयर है या स्ट्रीट वाले हैं, तो इसी का रेड भी आता है। ट्रेस्मे में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आपके डैमेज बाल हैं तो आप उसके लिए भी ट्रेस्मे का ही यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप देख सकती हैं। और हाँ, बाउंस, बालों के बाउंस के लिए भी इनका एक शैम्पू बहुत अच्छा है, अगर किसी को शौक है। जैसे ये कह रही है कि मेरे बाल हल्के हैं, तो तुम इनका वो जो बाउंस वाला शैम्पू है, मैंने ट्रेस्मे के पहले एक यूज किया था, जो बड़ी वाली बॉटल्स आती हैं ब्लैक कलर की, मेरे ट्रेस्मे से हेयर फॉल बहुत हुआ था। अच्छा, हाँ, इसी वजह से फिर मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू पे स्विच किया है, पामर्स का जो है। हाँ, पता नहीं फिर वही बात होती है, हर किसी पे सूट नहीं करता है। एग्जैक्टली, सबका अपना अपना वो है, हर किसी पे नहीं सूट करता वो वाली चीज। अच्छा, अब ये शैम्पू तुमने इसको बोला, अब आगे बताओ ये क्या चीज है स्किन का। तो मैंने ये तो, अच्छा ये मैं क्या करती हूँ, ये मैं ये करती हूँ कि ये बॉडी शॉप का मैं शॉवर जेल भी उठा के ले आई ना, मैं शॉवर जेल यूज करता हूँ। और ये शावर जेल जो है, ये लगाने के बाद इसी का मैं बॉडी बटर भी लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं आपको पूरी बात सुने। हाँ, ये पहले नहा के आप बाहर निकले, बॉडी बटर लगा आपने,
इसका बॉडी बटर यूज किया पूरी बॉडी के ऊपर, और उसके बाद ना ये विक्टोरिया सीक्रेट का एक बेचारा सा परफ्यूम है वो आपने ना आपने ये स्प्रे करके हाथों पे अच्छे तरीके से लगा लिया, आप पूरा दिन खुशबू, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर के साथ बैठ जाती है पूरा दिन। मतलब आप अगर परफ्यूम लगाना भी भूल गए हैं तो मसला ही कोई नहीं है जिंदगी में, आपको जहाँ पे भी आप जाके बैठेंगे लोग कहेंगे वाह क्या खुशबू आ रही है। अच्छा आपको आफ्टर शावर के बाद ना टॉवल कभी भी बॉडी पे यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों, क्या करें, टिश्यू यूज करें? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी जो बॉडी पे, तो क्योंकि वो तुम लोग पहले बोल लो नहीं उस दिन आपके शो में भी कोई आए थे, उन्होंने भी बताया था कि बॉडी पे कभी भी टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, अब जरा वो चीजें मैंने लाई तो मेरे पास है विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी स्प्लैश, मैं वॉश करके नहा के और सिर्फ वो स्प्रे करके और कपड़े पहन और बालों पे यूज कर लें। नहीं बालों पे नहीं, बॉडी की बात नहीं नहीं टॉवल, हाँ टॉवल तो ऑब्वियसली वो बाल गीले होते हैं। अच्छा सर पे आप यूज करें, मुझे तो बॉडी पे बालों के लिए भी बुरा है कहते हैं, वो आपके बाल डैमेज करता है, बहुत रफ हो जाता है। नहीं वो होते हैं जो सिल्क पैटर्न, हाँ नहीं आप अगर ट्रैवलिंग करें तो टॉवल हमेशा अपना यूज करना चाहिए, क्योंकि होटलिंग के जो होते हैं ना, मैंने ये आपके बड़े बाल खराब होते हैं, टॉवल जो है वो किसी का यूज नहीं करना चाहिए, किसी का नहीं करना चाहिए, अपना होना चाहिए, ये तो मैंने सुना है। अच्छा हाँ जी, तो वो ये है। और बताओ भाई। अच्छा और ये है कि ये उसका मेबेलिन का है, ये भी टिन टाइप ही है। मैं अभी इसी की बात कर रही थी नेता, यही मैंने अभी भी लगाया हुआ है। ये तो बहुत डार्क है तुम्हारा। नहीं नहीं शेड डिफरेंट है, यही वाला। अच्छा इसको भी मैं तीन चार चीजों के लिए यूज करती हूँ, आंखों का शेड भी बना लेती हूँ, अच्छा लिपस्टिक भी बना लेती हूँ, हाँ ब्लश ऑन भी कर लिया इसके साथ में। अच्छा मैं तो ट्रैवल बहुत करती हूँ, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर कभी कराची, पूरा सामान लेके तो नहीं कर सकती। और देखे मैं आपको बताती हूँ मेरी जिंदगी में दो चीज, ये तीन चीजों के बगैर मेरा आदत जो तुम्हारी है, इन तीन चीजों के बगैर ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये बॉर्जेस की लिपस्टिक है, ठीक है 11 नंबर। ये लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ये भी मैट है, मैट है। अच्छा हाँ, ये फिक्स हो जाती है। इसको भी मैं यही करती हूँ, सिर्फ ये दो तीन चीजें मैंने अपने बैग में रखी और मैं घर से निकली हूँ और बहुत जल्दी में, तो मैं गाड़ी में भी फटाफट यही यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, आंखों पे भी लगाया, लिपस्टिक भी बनाया। अभी भी तुमने यही लगाई हुई, ये शेड है? नहीं ये वाला नहीं है, ये अभी ये वाला है जो मेरे चीक्स पे और यहाँ पे। नहीं अभी तो लिपस्टिक पे तो ये है, लिपस्टिक ही है, बहुत अच्छा। और ये मैक और ये लगा के और ये बस हल्का सा लगाना होता है। ओके तो मेरा पूरा मेकअप हो जाता है, पूरा मेकअप हो जाता है। नहीं उसके बाद थोड़ा सा जरा आईलैशेस कर्ल भी तो करनी होती है, बिल्कुल फ्लैट आंखों के साथ ना एक चाइनीज जा रही है, वो हल्का सा। यहाँ नताशा ने दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक तो ये कह रही है मैं कंसीलर नहीं यूज करती, तो आप वो देखिए जिसका लाइक शेप और वो फेस कट नताशा टाइप है वो, उसको एक ये सबक मिला कि ज्यादा कंसीलर लगाने से आप चाइनीज लग सकते हैं, वो वाली छोटी लगेंगी आपकी, छोटी लग सकती है। तो एक इसने ये वाला आपको एक टिप दी। और लैश जो है तुम बताओ काट के लगाती हो? नहीं लैश में पूरी लगाती हूँ, लैश में पूरी लगाती हूँ। वो लगाने का एक तरीका होता है, कुछ लोग काट देते हैं तो वो आंखें भी छोटी लगने लगती हैं। अच्छा आप यहाँ से शुरू करके अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके लगा दें। ओके। तो एक आंख भी आपकी यूं उठ जाती है। हाँ। और दूसरा वो काटने से तो मुझे लगता है वैसे ही शेप ही खराब हो जाती है। और तुम हर दफा लैशेस चेंज करके यूज करती हो या नहीं? चेंज करती रहती हूँ मैं, चेंज करती हूँ। अच्छा हाँ कभी कभी हल्की भी यूज कर लेती हूँ। हाँ। कभी मैं इस टाइप की भी यूज कर लेती हूँ, इसमें तो नजर भी नहीं आ रही है। हुदा की बहुत अच्छी है, हुदा की बहुत अच्छी लैशेज हैं, बहुत ज्यादा। हुदा की भी इस्तेमाल करके फेंक देती हूँ? देखो जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वो खवातीन जो पीछे पड़ जाती है हमारे, खरीदो वो ये कहती है ये खरीद ले, ये अगला एक साल आप लगाती रहे 15-20 बहुत बड़ा झूठ होता है। कोई उन खवातीन पे यकीन ना करे, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उल्लू बनाती है आखिरी में। एक इंतहाई जरूरी टिप देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। सब लड़कियों को बहुत ज्यादा शिकायत होती है, फेस पे दाने हो रहे हैं, मेकअप करने से दाने हो रहे हैं, पानी कम पिए दाने हो रहे हैं, जैसे ही दाना निकले आपने ये क्लीना जेल लगा लेनी है। जैसे ही दाना निकले आप इसको लगा लें क्लीनर जेल, और इसको लगाएं और दो दिन तक जब तक वो खत्म नहीं,
दूसरे दिन दाना गायब होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में मैं आज की सबसे बेस्ट टिप देके जा रही हूँ। क्लीना जेल याद रखना है तुम्हें, सबको करेगा। हाँ सबको करेगा, मैंने अभी तक जिस जिसको बताया सबको किया है। नहीं अच्छा जेल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने अपने सारे पर्सनल मशवरे जो है ना वो आप लोगों से आज शेयर किए। इन चारों ने अपने अपने हिसाब से जो जो इनको सूट करता है, अब जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको भी सूट करें, मगर क्या पता कट जाए। जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को मशवरा देते हैं, ये करके देखो, ये करके देखो, तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रैक्टिस करके पता चला कि नतीजे भी पता चलते हैं। हमारे इंस्टा पे मतलब जैसे मुझसे बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं आपने काजल कौन सा यूज किया है, मस्कारा कौन सा यूज किया, आपके बालों का कलर बताओ। तो वो तो काजल और मस्कारा तो बताए। मस्कारा मैं मेबलिन का यूज करती हूँ। हाँ ठीक है, ये वाला पहले मैं ब्लैक यूज करती थी, वो फिर मुझे नहीं। तुम्हारा काजल बड़ा मशहूर है। हाँ काजल भी मैं बताती हूँ आपको, काजल भी मैं फ्लॉर्मर का यूज करती हूँ। वो टर्की वाला, वो टर्की वाला काजल भी ना फ्लॉर्मर का यूज करती हूँ, और वो इतना अच्छा काजल है वो कभी जिंदगी में नहीं फैलता। हाँ ठीक है, ये फ्लॉर्मर का ये काजल है और ये मेबलिन का मस्कारा है जो मैं यूज करती हूँ। ये जितना आप डार्क करना चाहेंगी अपनी आंखों को आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया। हाँ। क्योंकि हम तो पाकिस्तानी इसमें लगे हुए होते थे, ये फैलता नहीं है। ये जो है ना ये बेस्ट है। और बाकी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं बालों का कलर, तो वो लॉरियल का 7 और 8 मिक्स करके लगाती हूँ। ये वाला कलर है तो शेड लॉरियल का 7 और 8। ठीक, थैंक यू सो मच आप चारों का अपनी पर्सनल, ये बहुत प्राइवेट चीजें होती है, हर कोई नहीं बताता, नहीं बताता हम ये करते हैं। तो आपने अपनी पर्सनल चीजें हम लोगों से शेयर की, उम्मीद है आपको बहुत फायदा पहुंचेगा और मजा भी आया होगा। मुझे दूसरों के घरों में नहीं मेकअप बॉक्स में झांकने में बहुत मजा आता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।